brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. चंबल में प्रियंका गांधी की एंट्री क्या हुई, बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। आदिवासी नेता और बीजेपी से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हो गए। मुरैना में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में मल्होत्रा ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। उन्होंने एमपी तक से फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं आज मुरैना में हूं और मैंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, मेरे साथियों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस की नीतियों से मैं हमेशा से ही प्रभावित रहा हूं। इधर श्योपुर जिला अध्यक्ष का कहना है कि आदिवासियों पर काफी प्रभाव है। मुकेश मल्होत्रा जी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। कल माननीय प्रियंका गांधी जी की जो सभा थी मुरैना के अंदर, ऐतिहासिक सभा थी, वहाँ हजारों लोगों की सभा थी, उसमें हमारे करहाल क्षेत्र के, विजयपुर क्षेत्र के जो आदिवासी नेता हैं और बड़े नेता हैं मुकेश मल्होत्रा जी, उन्होंने यहाँ पर शामिल हुए हैं। जैसा अभी आपने कहा तो उन्होंने निर्दलीय लड़के अभी 2023 के चुनाव में निर्दलीय फार्म भर के 45,000 वोट प्राप्त किए थे। निश्चित रूप से उनका आदिवासी समाज में भी प्रभाव है और जो भी उनके आसपास के जो भी इलाके हैं उसमें ज़बरदस्त प्रभाव है उनका। तो आपने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज की हमेशा उपेक्षा की है। जब मौका आया था तब उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पार्टी से आदिवासी नेता को लोगों को टिकट दिए वहाँ पर, लेकिन अभी जब मौका आया तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लोगों के टिकट बीजेपी से काट दिए उस विधानसभा क्षेत्र में विजयपुर में। तो उन्होंने 45,000 वोट प्राप्त किए और निश्चित रूप से कद्दावर हैं और हमारी पार्टी में उन्होंने कल सदस्यता ग्रहण करी है जीतू पटवारी जी के समक्ष, प्रियंका गांधी जी के समक्ष। निश्चित रूप से इसमें लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को। और अभी जब रिजल्ट खुलेंगे विजयपुर के अंदर तो आप देखेंगे कि हजारों मतों से विजयपुर में भी लोकसभा में हमारे कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सकरवार जी विजय रहेंगे। बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 30 अप्रैल को विजयपुर विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव होना तय है, लिहाजा मल्होत्रा को अब कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि उन्होंने 1.5 माह में ही बीजेपी से नाता तोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। तब पूरे क्षेत्र के आदिवासियों ने उनका साथ दिया था और चुनाव में उन्हें 45,000 वोट मिले थे। फिलहाल देखना होगा विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुआ तो क्या पार्टी मल्होत्रा को टिकट देती है या नहीं। श्योपुर से खेमराज दुबे की रिपोर्ट, एमपी तक।